हिमाचल प्रदेश के मनाली में सुबह निजी बस तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत कुल 12 यात्री सवार थे, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल मनाली जबकि 2 घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। वहीं एक 80 वर्षीय घायल महिला को मनाली सिविल अस्पताल से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। मामले में पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि मनाली के वाहणु पुल के पास सुबह निजी बस तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें स्टेयरिंग रॉड फ्री होने से यह हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि बस में कुल 12 लोगों में से 8 लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग सुरक्षित हैं। सुबह मनाली में भानु ब्रिज के पास एक निजी बस का एक्सीडेंट हो गया, जो मैकेनिकल रीजन से हुआ। उसका स्टीयरिंग का लिंक एक्सल वगैरह शायद खराब हो गया और इसमें 12 लोग थे, जिसमें से 4 तो वहीं से ठीक ठाक थे, चले गए थे। 8 हैड सस्टेन माइनर इंजरीज, जिनमें से एक अराउंड 70 ईयर ओल्ड मेल थे, जिन्हें हॉस्पिटल में RH कुल्लू में रेफर किया गया और बाकी सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप कराने हैं। सबको माइनर इंजरीज है और अभी तक सब स्टेबल है।